देश में इस रबी सीजन में गेहूं के साथ तमाम छोटे अनाज की बुआई भी कम हो रही है, जबकि सरसों और रायड़ा का रकबा अच्छा खासा बढ़ गया है। साल 2022 तिलहन के उत्पादन के लिहाज से जोरदार रहने की उम्मीद है। वहीं 2020-21 की तेल तिलहन की तेजी से उम्मीद लगाए बैठे कारोबारियों और किसानों को नया साल निराश कर सकता है। खबर आ रही है कि साउथ अमेरिका में अच्छी बारिश के चलते सोयाबीन का उत्पादन जोरदार उतर सकता है। यह वैश्विक सोयाबीन की सप्लाई में कुछ मददगार साबित हो सकता है और इससे अमेरिका के सोयाबीन के निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन राष्ट्रीय तिलहन प्रसंस्करण संघ यानी NOPA का कहना है कि नवंबर में सोयाबीन की पेराई में अक्टूबर महीने के मुकाबले कमी देखने को मिली है। नवंबर में सोयाबीन की पेराई 189.46 मिलियन बुशल देखने को मिली है, जो अक्टूबर के मुकाबले लगभग 2.5% कम है। इसका असर सोयाबीन के बाजार में सकारात्मक देखने को मिल सकता है। जानकारों का अभी भी यही मानना है कि वायदा में सोयाबीन की कीमतों में अभी भी कुछ तेजी बनने के आसार हैं। हालांकि अभी सोयाबीन वायदा में 6000 से लेकर 6800 के एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के दामों में 100 से 150% की गिरावट देखने को मिली है। बीत रहे की गिरावट से उलट जानकारों के अनुसार जनवरी 2022 में सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उछाल आ सकता है और कीमतें 7000 तक जा सकती हैं। वहीं हाजिर में जिन किसानों ने सोयाबीन अभी स्टॉक किया हुआ है, उन्हें नए साल पर सोयाबीन खुशखबरी देती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।